हम इसमें जो कोफ्ते हमने तैयार किए थे वो हम इसमें ऐड करेंगे ताकि इसमें अंदर तक फ्लेवर आ जाए और हमारे कोफ्ते टूटे भी नहीं। हमारी सब्जी बनकर रेडी हो गई है। आप इसे रोटी के साथ और चावल के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्वाद हटके पर। और आज मैं बहुत स्पेशल डिश बनाने जा रही हूँ जिसका नाम है गोभी के कोफ्ते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। गोभी के कोफ्ते बनाने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे लिया है आधा किलो गोभी, जिसको काट के और धो के मैंने रख दिया है। और इसे इस तरीके से हमें ग्राइंड करना है, इस तरीके से इसको वो करना है छलनी में। और नेक्स्ट उसके लिए गोभी के कोफ्ते में मिक्स करने के लिए मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी, उसको मैंने ऐसे फाइन चॉप कर लिया है। और ये लहसुन है, मैंने 5 कलियाँ ली थी लहसुन की, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है छोटा छोटा। और ये अदरक है, 1 इंच अदरक यूज़ किया था। और ये 3 हरी मिर्च यूज़ की है मैंने, इसको काट लीजिए फाइन तरीके से। और ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, उसको रैंडमली कट कर लिया है बस, क्योंकि इसे हम फ्राई करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे 4 लहसुन की कलियाँ ली हैं जो कि फाइन अभी हम इसको फ्राई करेंगे। और 4 छोटी साइज़ की मिर्ची है, हरी मिर्च है। और 2 इंच अदरक को रैंडमली काट लिया है। और यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं जिसको रैंडमली काटा है मैंने, इसको फ्राई करेंगे, उसके बाद इसकी ग्रेवी बनाएंगे। और हरा धनिया ये मेरे को ग्रेवी में भी डालना है और मुझे कोफ्ते में भी डालना है। ये हमने मटर लिए, 250 ग्राम मटर है, इसको मैंने बॉईल कर लिया है। ये हरी मटर थी, सीजन के हिसाब से लिए, आप फ्रोजन मटर भी मार्केट से ले सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ही गरम हो चुकी है और अब हम इसमें रिफाइंड ऑयल का यूज करेंगे, आप सरसों के तेल का भी यूज कर सकते हैं। मैंने इसमें डाल दिया है 2 बड़े चम्मच रिफाइंड डाले हैं। अब इसके बाद मैं इसमें डालूंगी राई, थोड़ी सी राई डालनी है अपने हिसाब से, पिंच ऑफ डाल सकते हैं आप। अब हम इसमें जीरा डालेंगे, इसमें 1/2 छोटी चम्मच जीरा डाल रही हूँ मैं। और दूसरी साइड में गोभी का कोफ्ता बनाने के लिए गोभी को घिस रही हूँ इसके अंदर। इसके बाद इसमें नमक डाल के 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। देखिए जीरा छिटकने लग गया है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन की कलियाँ जो काटी थी और मिर्ची। अदरक भी डाल देंगे साथ में ही ताकि ये फ्राई हो जाए। गैस मीडियम रखेंगे, इसको चला देती हूँ। लहसुन के लाल होने का इंतजार करेंगे। लहसुन हो चुका है और अब हम इसमें जो प्याज काटी थी वो डाल देंगे और इसको तेज आंच से फ्राई करेंगे। इसके लाल होने का इंतजार करना है हमको, ये धीरे धीरे जैसे लाल होने लगेंगी तो ये एक एक करके रेडिश कलर में दिखने लगेंगी, थोड़ा ब्राउन कलर में आपको दिखेंगे। मैं इसको बीच में एक बार चला ले रही हूँ, अभी ये पूरे तरीके से लाल नहीं हुआ है, अभी इसको और लाल करना है ताकि ग्रेवी में अच्छे से पका हुआ प्याज डालेंगे तो ज़्यादा देर भी नहीं लगेगी और फ्लेवर भी अच्छे आएंगे। ये गोभी मैंने कद्दूकस कर ली थी, अब मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक डालूंगी और इसको मिक्स कर लूंगी ताकि ये पानी छोड़ दे, जो भी गोभी के अंदर पानी होता है 15 मिनट बाद। अब इसमें से जो पानी निकलेगा उसको हम निकाल के और फिर इसके कोफ्ते बनाएंगे। देखिए प्याज इधर ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे जो हमने काटे थे। टमाटर डाला है तो जैसे हम टमाटर डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए, ये 1/4 टेबल स्पून है। टमाटर अच्छे से हो जाएंगे इसकी हेल्प से। अब इसको ढक देंगे मीडियम आंच पे, इसको हमें ढक
रखना है ताकि अब हम इसको 5 मिनट बाद एक बार खोल के देखेंगे, तब तक टमाटर गल जाएगा। 5 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसका ढक्कन खोल के देखती हूँ। देखिए टमाटर अच्छे से गल चुका है पूरी तरीके से। अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और इसको किसी खाली प्लेट में निकाल के 5 मिनट के लिए ठंडा होने रख दूंगी ताकि हम इसे जब ग्राइंड करें तो ये अच्छे से हो जाए, बाहर ना निकले। गरम हम मिक्सर ग्राइंडर में नहीं डाल सकते। अब मैं इसको प्लेट में निकाल ले रही हूँ ताकि ये 5 मिनट में ठंडा हो जाएगा। उसके बाद मैं इसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी और इसकी ग्रेवी तैयार कर दूँगी। ठंडा होने के लिए रख रही हूँ मैं इसे। मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है, अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी 5 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं, अब मैं गोभी का पानी निकालने जा रही हूँ। इसके लिए मैं इसको ऐसे हाथ में लूंगी और दोनों हाथों से प्रेस करूंगी किसी दूसरे बर्तन में ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। देखिए इस तरीके से सूखा निकलेगा। इसे एक प्लेट में रख ले रही हूँ। इस तरीके से जो कोफ्ते हैं वो बिल्कुल भी नहीं फटेंगे आपके तेल में डालते के साथ ही, जब आप इसका पहले पानी निकाल लेंगे। देखिए हमने इसका पानी निकाल लिया और ये कितना ड्राई हो गया है। दूसरी साइड मैंने यहाँ पे बेसन लिया है, आधी कटोरी बेसन है, लेकिन मैं इसे चम्मच से डालूंगी मेरे गोभी की क्वांटिटी के हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें सारा इंग्रेडिएंट डालना। मैं सबसे पहले लहसुन जो मैंने ग्राइंड किया था वो डाल रही हूँ, उसके बाद अदरक डाल रही हूँ, उसके बाद हरी मिर्च जो मैंने काटी थी वो डाल रही हूँ, उसके बाद जो प्याज काटे थे वो डाल रही हूँ। सब कुछ ऐड कर दिया मैंने इसमें। अब थोड़ा सा हरा धनिया इसमें डाल देंगे। अब मैं इसमें बेसन ऐड करने जा रही हूँ। पहले मैंने 1 बड़ा चम्मच इसमें बेसन डाला, उसके बाद इसे मिक्स करना स्टार्ट कर रही हूँ। मैं कोफ्ते को ज़्यादा मसालेदार नहीं बना रही क्योंकि मुझे सिंपल अच्छे लगते हैं। अगर आपको मसालेदार अच्छे लगते हैं तो आप इसमें मसाले भी ऐड कर सकती हैं। कोफ्ते की बाइंडिंग ऐसे में नहीं हो सकती तो मैं इसमें 1 चम्मच और बेसन डाल रही हूँ। जितना आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कोफ्ते की बाइंडिंग हो जानी चाहिए उसके हिसाब से। कोफ्ते के अंदर हमने सारे इंग्रेडिएंट डाल दिए हैं, अब हम इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे और थोड़ा सा अजवाइन, आधा टेबल स्पून इसमें हल्दी ऐड करूँगी, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1/4 गरम मसाला और 1/4 अमचूर पाउडर। ये सब डालने के बाद हमें अब इसे अच्छे से मिक्स करना है, तो मैं इसे मिक्स कर ले रही हूँ। कोफ्ते बनाना हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा कोफ्ता का बैटर लेना है और इसे इस तरीके से गोल शेप देनी है, थोड़ा सा ऐसे गोल करके। ये देखिए गोल बन गया। इसी तरीके से मैं सारे कोफ्ते तैयार कर लूँगी। कोफ्ते इसी तरीके से तैयार कर रही हूँ मैं। दूसरी तरफ मैं कढ़ाई गरम करने के लिए गैस को स्टार्ट कर दे रही हूँ। ये मैंने वही सेम कढ़ाई ली है क्योंकि गंदी हुई नहीं है। अब मैं इस कढ़ाई के अंदर तेल डाल रही हूँ कोफ्ते फ्राई करने के लिए। देखिए कोफ्ते के मैंने गोले बना लिए हैं और तेल भी हमारा पूरा गरम हो चुका है, तो अब मैं इसमें कोफ्ते डालने जा रही हूँ एक एक करके। गैस स्लो रखनी है वरना तेल आपके ऊपर लग जाएगा।
एक बार हमें इन कोफ्तों को तेज आंच पे रखना है, क्योंकि हम इसे बीच में छेड़ेंगे तो ये टूट जाएंगे। अब मैं इनको धीरे धीरे चक्कू की हेल्प से पलटने की कोशिश करूंगी ताकि ये मुझसे टूटे ना। ये देखिए रेड कलर पीछे की साइड आ गया है, सारे पलटने हैं अच्छी तरीके से, बहुत हल्के हाथ से, नहीं तो ये सारे टूट जाएंगे और तेल खराब हो जाएगा। ये देखिए रेड कलर ब्राउनिश कलर कितना अच्छा आ रहा है। अब हम हल्के हाथ से इसको पलटेंगे। देखिए एक भी कोफ्ता टूट नहीं रहा और अच्छे से मीडियम आंच पे ये फ्राई हो रहे हैं। जब मीडियम आंच पे फ्राई होंगे तो वो भी अंदर तक पक जाएगी और फ्लेवर अच्छा आएगा। अब हम इसे निकाल लेंगे। अच्छे से हो गया, बहुत ही अच्छा कलर आया है इसका, इसका मतलब ये अंदर से पूरी तरीके से पक गया है। इसी तरीके से हम बाकी बचे हुए कोफ्ते भी इसमें डाल देंगे। मैंने इसे टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल दिया है ताकि इसका तेल अच्छे से निकल जाए। और दूसरी साइड यहाँ पर हमने जो ग्रेवी बनाने के लिए मसाला तैयार किया था उसे मैं मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी। देखिए मसाला तैयार हो गया ग्रेवी बनाने के लिए। तो अब हम चलते हैं कोफ्ते की तरफ, कोफ्ते दिखाऊंगी। अब हम सब्जी तैयार करने जा रहे हैं, जिसके लिए मैं कढ़ाई में तेल डालूंगी। मैंने थोड़ा ही तेल लिया है, इसके अंदर मैं आधा चम्मच जीरा डालूंगी। अब मैं इसमें ग्रेवी जो हमने तैयार की थी वो डालूंगी। अब मैं इसको ढक दूंगी और 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दूंगी, तब तक तेल ऊपर आ जाएगा। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और अब मैं इसमें मसाले डालने जा रही हूँ। आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 बड़ा चम्मच देगी मिर्च का। अब इसको मिक्स कर लेंगे और ढक्के से 5 मिनट तक पकने देंगे। 5 मिनट से ऊपर हो चुके हैं, अब मैं इसका ढक्कन खोल के देखती हूँ। देखिए किनारे किनारे तेल ऊपर आ गया, इसका मतलब हमारा मसाला पूरा पक चुका है अच्छी तरीके से। मैं इसको मिक्स कर लूँगी ताकि नीचे लगे नहीं। मसाला मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें जो मटर हमने बॉईल की थी वो डालूंगी, पानी के साथ ही डाल दूंगी। गैस तेज रखनी है हमें इस वक्त, ताकि बॉईल, एक बॉईल आने के बाद गैस मीडियम आंच पे कर देनी है। अब मैं इसमें ढक्कन लगा दूंगी और एक बॉईल आने का इंतजार करूंगी। 5 मिनट हो चुके हैं, अब मैं सब्जी को खोल के देखती हूँ। देखिए
वो गलना स्टार्ट हो चुकी है। इसी वक्त अब हम इसमें जो कोफ्ते हमने तैयार किए थे वो हम इसमें ऐड करेंगे ताकि इसमें अंदर तक फ्लेवर आ जाए और हमारे कोफ्ते टूटे भी नहीं। एक एक करके सारे कोफ्ते हम इसमें ऐड कर देंगे। इसमें इसको मीडियम आंच पे धीरे धीरे पकने देंगे। अब मैं इसको ओपन करके देख रही हूँ। 15 मिनट तक मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दिया था। अब मैं इसमें धनिया डालूंगी। धनिया ऐड करने से इसका फ्लेवर अच्छा हो जाता है। एक बार मिक्स करके देखती हूँ। देखिए एक भी कोफ्ता टूटा नहीं है और अच्छे से उसके अंदर फ्लेवर आ गया है। तो हमारी सब्जी बनकर रेडी हो गई है। आप इसे रोटी के साथ और चावल के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है रोटी। अब हम इसको सर्व करेंगे तो मैं इसके लिए इसे एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। ये देखिए कोफ्ते एकदम जुड़े हुए हैं और फ्लेवर इनके अंदर तक आ गया है। आप इसे रोटी के साथ खाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल स्वाद हटके को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।